नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जीटी ट्रेवल्स पे स्वागत है और आज आपको हम लेकर चलेंगे कन्नूर। तो दोस्तों, कन्नूर बहुत ही खूबसूरत जगह है और बेंगलोर के सबसे नज़दीक के बीचेस में कन्नूर भी आता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका फिर मैंगलोर पे मालपे बीच है। ये दोनों ही बेंगलोर के सबसे नज़दीक बीचेस में है और दोस्तों ये यहाँ पर कन्नूर में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको काफ़ी तरह के बीचेस मिलेंगे, आपको यहाँ पर काफ़ी फोर्ट मिलेंगे पुराने पुराने 15th century के बनाए हुए। उसके बाद आपका यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, फेमस टेम्पल्स। और दोस्तों काफ़ी कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। और दोस्तों सबसे खास बात कि यहाँ पर जो है जो होटल्स के रेट हैं वो भी काफ़ी नॉमिनल है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो नज़ारा है ये पयम्बलम बीच का है। यहाँ पर काफ़ी सारे बीच हैं, यहाँ पर ड्राइव इन बीच है एशिया में फर्स्ट, जहाँ पर आप बीच पे ड्राइव कर सकते हैं। बट ये दोस्तों पयम्बलम बीच जो है रुकने के लिए सबसे अच्छा है। आसपास रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट हैं इस बीच पे ही, काफ़ी सारे लाइन से रेस्टोरेंट हैं तरह तरह के, और वहाँ पर आप काफ़ी कुछ घूम सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, तो काफ़ी मजा आएगा। और दोस्तों ये फोर्ट से मैंने लिया, यहाँ पर सेंट एंजेलो फोर्ट है, काफ़ी फेमस है 15th century का। पहले वहाँ से जहाज़ों से सामान इधर उधर लाया भी जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नज़ारा, यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे नाव खड़ी हैं, स्टीमर्स खड़े हैं, यहाँ पर बोट खड़े हैं, तो काफ़ी खूबसूरत फोर्ट है ये। यहाँ से पूरा आपका अरेबियन सी आपका जो है पूरा दिखता है। और यही ये जो बीच है इसको अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे ऊपर की तरफ तो आपको मैंगलोर और फिर गोवा के रास्ते में ले जाएगा, और अगर नीचे चले जाएंगे तो आपको फिर ये नीचे ले जाएगा त्रिशूर और एलपी की तरफ, जो केरला में नीचे की तरफ, जहाँ पे आपको मुन्नार मिलेगा और वो सब प्लेसेस मिलेंगी। तो दोस्तों केरला में काफ़ी कुछ घूमने के लिए, वहाँ पर मुन्नार जा सकते हैं आप, एलपी जा सकते हैं, बट सबसे नज़दीक का जो पार्ट है केरला का स्टेट का लगा हुआ वो आपका कन्नूर है। और ये बीच बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत, और यहाँ पर जो है फोर्ट के अंदर से जो आप व्यू पाएंगे वो काफ़ी अलग होगा। तो पयम्बलम बीच पे वहाँ जाइए, पयम्बलम बीच पे स्टे करिए, फिर आप आइए यहाँ फोर्ट घूमिए, फिर यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल हैं लाइक शिवा टेम्पल और अन्नपूर्णेश्वरी टेम्पल और काफ़ी सारे फेमस, ये तो फेमस फेमस टेम्पल हैं, बट उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। तो दोस्तों फिर वहाँ से आइए, फिर आप फोर्ट घूमिए और उसके बाद जो है आप आगे जाइए और यहाँ पर स्नेक पार्क और वो सब भी मिलेगा आपको। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी आप घूम सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, फिर हम वापस लौटते हैं। ये कुछ बात आप सुन रहे थे ना, ये थोड़ा सा मुझे सुनाना था आप लोग को कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या सोचते हैं, तो वही सुना रहा था मैं। तो दोस्तों फिर आते हैं, हाँ तो स्नेक पार्क पे आते हैं। देखिए ये सामने जो है आपका स्नेक पार्क है और ये काफ़ी बड़ा, यहाँ पे काफ़ी सारे रेप्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स थे, काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स थे, और काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पर, और काफ़ी तरह के स्नेक थे यहाँ पर, पायथन, कोबरा और भी तरह तरह की नस्ल के स्नेक थे यहाँ पर। तो दोस्तों ये भी अच्छी जगह है, बच्चों के साथ आएंगे तो वो लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे रेप्टाइल्स और इन सबको देख कर। तो फिर आप ये घूमिए और उसके बाद जो है ये घूमने के बाद फिर सारे टेम्पल्स दर्शन करिए, और उसके बाद जो है आप अगर आप टाइम है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जा सकते हैं। और उसके बाद आपके यहाँ कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं काफ़ी हिल्स पे ऊपर, क्योंकि ये पूरा थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है और बीचेस भी हैं यहाँ पर, तो फिर आप वहाँ घूम सकते हैं। और उसके बाद आप फिर पयम्बलम बीच पे वापस आइए रात में, वहाँ पे रेस्टोरेंट काफ़ी बने हुए हैं, आपको काफ़ी अगर आप सी फूड या ये सब भी खाते हैं तो आपको काफ़ी नॉमिनल रेट मिल जाएगा वहाँ पर, तो वो सब खाइए। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे घड़ियाल घूमता हुआ देख रहे हैं, क्रोकोडाइल और काफ कितने सारे यहाँ पर हैं। तो मैं था कि बीच पे जो आप रात में जब पहुँचें तो यहाँ पे अपना खाइए, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करिए, अलग अलग टाइप के खाना अच्छा है, सी फूड भी अच्छा है और हर तरह का खाना यहाँ पर अच्छा है, केरला स्टाइल का है, थोड़े चावल जो मोटे वाले होते हैं उसका और उसके साथ नारियल की चीज़ें सब में पड़ी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा है। फिर वहाँ इन्जॉय करिए, फिर अगले दिन आप निकल सकते हैं, तो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं पूरा। और दोस्तों देखिए ये ड्राइव इन बीच है कन्नूर में, ये बहुत ही खूबसूरत, सबसे खास USP है इस प्लेस का ये। तो यहाँ पे आप गाड़ी लेके आइए और चलाइए, ये पता नहीं कैसी सैंड है कि यहाँ पे पहिए फंसते भी नहीं है गाड़ी के, तो ये भी एक खास बात है इस जगह की।
देखिए ये सनसेट के टाइम का हम यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ पर हमने ड्राइव किया। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था, ये कहीं नहीं मिला हमें। और ऐसा बोला भी जाता है कि ये शायद एशिया में फर्स्ट बीच है जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप आइए, शाम के टाइम आएंगे तो आपको थोड़ा नज़ारा अच्छा दिखेगा, और या फिर मॉर्निंग में आइए, दोनों टाइम में कभी भी आ सकते हैं। तो इसकी टाइमिंग्स भी है कुछ, आई थिंक रात में कुछ आठ या कुछ उसके बाद बंद हो जाता है, 8 बजे के बाद ही है। तो दोस्तों यही फिर ये हम यहाँ से घूमते हुए पहले वही मैं फिर से रिकैप करता हूँ, पहले पेम्बलम बीच गए, वहाँ पर हमने स्टे किया, वहाँ पे पूरा हमें घूमने को मिला, हमने काफ़ी कुछ देखा। और उसके बाद जो है फिर हम एंजेलो फोर्ट गए, वहाँ पे घूमा हमने, और उससे उसके बाद जो है हम फिर स्नेक पार्क गए, वहाँ से फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए, फिर हम डाइविन बीच है, और उसके बाद हम पेम्बलम बीच पर वापस लौट गए, और दोस्तों फिर हम वहाँ से बैंगलोर निकल गए अगले दिन। तो दोस्तों अगर पास में आपको कोई जगह घूमनी है थोड़ा कम एक्सपेंसेस में, और आपको काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें कवर करनी है लाइक ड्राइविन बीच और ये सब जो भी है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा कन्नूर घूम के। और केरला में तो बहुत कुछ है, ये तो एक पार्ट है, इसके अलावा मुन्ना रेलीपी और बहुत कुछ है। तो आते रहिए दोस्तों जीटी ट्रेवल्स पर, हम आपको घुमाते रहेंगे। तो आज का टूर कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में।